i hope you all are doing great the class 4 indian contract act 1872 is here the topic for today's session is consideration all of you know that we just recently started this consideration topic now today we will discuss that consideration may be past may be for future or present right past present or future एंड वी विल एलोरेट दिस टॉपिक डीपली इन दिस से तो बहुत अच्छे से समझना है माई डर स्टूडेंट्स की कंसिडरेशन जो होती है वो पास में भी हो सकती है प्रेजेंट में भी दी जा सकती है या आप फॉर द फ्यूचर के लिए कंसिडरेशन का अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट कर सकते हो सो दिस इज गिवेन इन सेक्शन टू क्लोज डी द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज आई टोल्ड यू दिस इज़ एन एक्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर या तो कोई एक्ट ऐसा होता है जो आपने प्रोमिसर के लिए ऑलरेडी कर दिया है या फिर वो किसमें हैं इज इन प्रोसेस प्रोग्रेस में है मतलब आप अभी उसको कर रहे हो इज इन प्रोग्रेस और इज प्रोमिस्ड टू बी डन इन फ्यूचर या फिर आप उसको फ्यूचर में करोगे कंसीडरेशन कोई ऐसा ही एक्ट होता है ना जो कि या तो आप ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट इज इन प्रोग्रेस मींस इट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन और इज प्रोमिस्ट टू बी डन इन फ्यूचर या आप उसको फ्यूचर में करोगे ओके okay, अब हम बात करते हैं पास्ट कंसीडरेशन दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन जो हो चुकी हैं राइट सो एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन क्या कहती है इट इज एन एक्ट

तो आपका एक्ट क्या होगा योर एक्ट इज एन एक्जीक्यूटिड कंसिडरेशन मीन्स आपको पहले वॉच का पता लगाना है अगर आप वॉच का पता लगाओगे तभी मैं आपको थाउजेंड पे करूंगा राइट सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मैं सपोज कीजिए आप मेरी आप मेरी लगा लीजिए मेरी वॉच गुम हो गई है मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्लीज मेरी वॉच ढूंढ के लाइए तो आप जब मेरी वॉच ढूंढ के लाओगे आप वो काम कर चुके होगे यू हैव ऑलरेडी डन दैट योर एक्ट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड फॉर माई प्रोमिस दैट इन रिटर्न आई एल पे यू वन थाउजेंड सो नेचर ऑफ एक्जीक्यूटिड कंसीडरेशन जो होता है इज एन एक्ट फॉर अ प्रोमिस एंड द एक्ट फॉर्म्स द कंसिडरेशन यही जो आपका एक्ट है यही एक तरीके की कंसिडरेशन होगी कि भाई मैंने अपने पार्ट पे अपना एक्ट कर दिया है मैंने अपने पार्ट पे जो मेरा प्रोमिस था वो मैंने फुलफिल कर दिया आपकी वॉच ढूंढ के ला दी अब आप अपना काम कीजिए मुझे थाउजेंड रुपीज दीजिए

पास्ट वॉलेंट्री सर्विस पास्ट वॉलेंट्री सर्विस क्या कहती है दिस इज कवर्ड इन सेक्शन ट्वेंटी फाइव क्लोज टू रिमेंबर दिस सेक्शन ट्वेंटी फाइव क्लोज टू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है अ प्रोमिस टू कंपनसेट किसी को आप कंपनसेट कर रहे हो फुली कर रहे हो या इन पार्ट कर रहे हो अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डैश डन हुज ऑलरेडी वॉलेंट्रली वॉलेंटरली डन समिंग इज एनफोर्सिएबल जिसने वॉल्ट्रली अपना काम कर दिया है तो अब आपका प्रोमिस है कि आप उसको होली और इन पार्ट करोगे फुलफिल अपना पार्ट करोगे एग्जाम्पल समझते हैं सपोज ए फाइंड बीज पर्स बी का पर्स ढूंढ के ले आता है और उसको देता है बी प्रोमिस करता है कि मैं तुम्हें पचास रुपये दूंगा तुमने बाकी में बहुत बढ़िया काम किया है मेरा पर्स ढूंढ के ला दिया आई एम हाईली ऑबलाइज टू यू एंड आई वॉन्ट टू पे रुपीज फिफ्टी एज अ कंसिडरेशन फॉर दिस नाउ ऑबियसली एज एक्ट वॉज द पास्ट कंसिडरेशन बट इफ यू हैव प्रोमिस्ड फॉर एनी बडीज पास्ट वॉलेंट्रली सर्विस मीन्स किसी की वॉलेंट्री सर्विस के लिए जो ऑलरेडी कोई पर्सन कर चुका है आप अभी बोल रहे हो कि मैं तुम्हें उस बदले में मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई प्रोमिस यू टू गिव दिस और दिस अमाउंट ऑफ मनी सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट राइट माई डियर स्टूडेंट ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है ूटरी कंसिड्रेशन क्या होती है एग्जिक्यूटरी नॉट एग्जीक्यूटिव इट्स एग्जिक्यूटरी मीन्स जो अभी होगी राइट इट इज अ प्रोमिस फॉर अ प्रोमिस मैं प्रोमिस देता हूँ आप भी मुझे प्रोमिस दीजिए वन प्रोमिस इज बाय बोथ ओके वन प्रोमिस बोथ बाय द अदर एक दूसरे को प्रॉमिस किया जाता है द डैश इज कंक्लूडेड और जैसे ही ये बात होती है एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस देता है और दूसरा पहले को प्रॉमिस देता है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एज सुन एज द आर एक्सचेंज एक दूसरे के प्रोमिस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा ही है एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है दूसरे कहती है ओके आई अग्री ऑल द टर्म्स एंड वी विल परफॉर्म ऑल दीज अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल देखिए ए अग्री टू सेल देखिए ए ने आपको एग्जाम्पल वही लेते हैं रेडियो वाला ए ने बोला था बी को मैं तुम्हें अपना रेडियो दूंगा बी ने एग्री किया था कि मैं इन रिटर्न तुम्हें वन थाउजेंड रुपीज दूँगा फॉर दैट रेडियो सो वो दार्टीज प्रोमिस डीच अदर इन दिस एक्ट ओके जो भी एक्ट दोनों करेंगे उसके लिए प्रोमिस देते हैं बी एग्री करता है कि हाँ मैं बाई करूंगा अ क्वान्टिटी ऑफ गुड्स सो दिस इज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन मीन्स जो अभी एग्जीक्यूट होगी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है बट दोनों पार्टीज अपना अपना एक्ट परफॉर्म करेंगे नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट कंसीडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू कंसीडरेशन जो भी होगी उसकी कुछ ना कुछ वर्ड या वैल्यू होनी चाहिए फ्रीली या इन वॉलेंट्र एक्ट आप नहीं कर सकते आपकी जो कंसीडरेशन है दैट मस्ट हैव सम वैल्यू लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ केस व्हाइट ब्लूएट का केस है फादर कहता है सन को दैट इफ यू स्टॉप कंप्लेनिंग आई विल रिलीज यू फ्रॉम एन आउटस्टैंडिंग लोन अगर तुम बार बार ये कंप्लेन करना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा लोन उतार दूंगा इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट नो नोट एट ऑल सो इट वॉज हेल्प दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वन साइड भाई आप चलो किसी का लोन उतार रहे हो बट अदर साइड क्या कर रही है उस बदले में जस्ट एक कंप्लेन करने से मना कर रही है वो कंप्लेन ना कर इज इट हैव सम वैल्यू क्या लीगल टर्म में आप इसको कोई वर्ड या वैल्यू दोगे कि आपको मेरी शिकायत नहीं करनी राइट सो दिस इज नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट इन लीगलाइज एंड लेट्स सी अनदर केस ऑल्सो चिदम्बरम वर्सेज पी रंगा इस केस में क्या था द कंसिडरेशन शुड बी समथिंग Which is not only ट ओनली द पार्टीज शैल रिगार्ड बट लॉ कैन ऑल्सो रिगार्ड एज हैू ओके कुछ ऑल्दो वो वैल्यू बेशक ना uh, मतलब बहुत ही कम हो at least वो value होनी चाहिए मतलब ये नहीं सिर्फ पार्टीज उस, उस बात को समझ रही है कानून उस बात को समझ ही नहीं रहा कानून क्या कहेगा अच्छा आप उसकी कंप्लेन करना बंद कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा नो दिस इज अडिश एक्ट राइट सो टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट

Uh, topic that we discussed today i hope you understood and the pdf of these session is available on learn with nishman telegram channel you can go and subscribe that till then have a good day